दिल्ली में पिछले 8 महीने से सरकार को लेकर चले आ रहे सवालों को अब विराम लग गया है। उपराज्यपाल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में फिर से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने चुनावी रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन इस बार पार्टी ने किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया है। बीजेपी ने यही रणनीति महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अपनाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव को केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी के रूप में देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल होगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा होगी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो विश्वास दिया है, वो विश्वास हमारा चेहरा होगा। हम कलेक्टिव सामूहिकता से चुनाव दिल्ली में लड़ेंगे। आने वाले समय में ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में है नहीं। वहीं कांग्रेस दिल्ली में चुनाव में हो रही देरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि 5 महीने तक इसलिए टालते रहे कि आप माहौल अपने मुआफिक बनाना चाहते थे। चुनाव का रास्ता साफ होने के साथ ही दलों ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ साथ जीत के दावे भी करने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के साथ जिस तरह का एक डबल चीजें बाकी दलों ने की हैं, दिल्ली के साथ विश्वासघात हुआ है। निश्चित रूप से एक चुनावी सरकार, एक जिम्मेवार सरकार और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दिल्ली में अब ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भ्रष्टाचार खत्म करके हम दिल्ली में विकास करेंगे और दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर बनाएंगे। लेकिन एक साल में जिस तरीके का नाटक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग हमको एक मौका देंगे। तीनों मुख्य दलों द्वारा सरकार बनाने में असमर्थता जताने तथा ताजा जनादेश हासिल करने का पक्ष लिए जाने के साथ उपराज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की। दिल्ली में सरकार गठन के बारे में फैसला करने में विलंब के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से नाराजगी जताए जाने के बाद उपराज्यपाल ने राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श शुरू करने का फैसला पिछले हफ्ते लिया था। आम आदमी पार्टी सरकार के इस्तीफा देने के बाद 17 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, लेकिन जंग ने ऐसा नहीं करते हुए विधानसभा को निलंबित रखा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में बीजेपी 31 सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और उसे अकाली दल के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त था। तब बहुमत से 4 सीटें कम होने के कारण बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 28 सदस्यों वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 8 सदस्यों के समर्थन से सरकार का गठन किया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने 14 फरवरी को उस समय इस्तीफा दे दिया जब बीजेपी और कांग्रेस के विरोध के कारण जन लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो सका। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा, क्योंकि 8 दिसंबर 2013 के जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे, तब से लेकर आज तक का राजनीतिक माहौल काफी बदल चुका है। कांग्रेस के सहयोग से बनी 49 दिन की केजरीवाल की सरकार बीते दिनों की बात हो चुकी है। केंद्र की गद्दी पर मोदी सरकार काबिज हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में इतिहास की पहली बीजेपी सरकार बन चुकी है। जाहिर है बीजेपी खेमे में फील गुड का एहसास कुछ ज्यादा है, लेकिन आखिरी फैसला तो दिल्ली के 1,15,00,000 मतदाताओं को ही करना है और लोगों को इंतजार है चुनाव की तारीख का। गिरीश निशाना के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।